नमस्ते जी, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज वो दिन आ गया है जब हम जाएंगे अपनी एक नई राइड पर। हमारी राइड होगी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कसौल। ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, काफ़ी अनप्लान और काफ़ी एडहॉक प्लान है, एक फन ट्रिप है छोटा सा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नई राइड पहाड़ों की तरफ। हाँ जी दोस्तों, तो हो चुकी है हमारी राइड शुरू। तो पहला हमारा है पिट स्टॉप, मैं कुणाल से मिलूंगा और फिर वहां से हम आगे एक साथ मिलकर राइड करेंगे अपनी शुरू। एज ऑलवेज जब भी राइड शुरू करो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। आज भी बहुत एक्साइटमेंट है और हमारी किस्मत अच्छी है, लकीली ऑल्दो इट इज़ समर्स ऑलमोस्ट, बट मौसम बहुत प्लेजेंट है। इट्स वेरी प्लेजेंट टुडे, अच्छी हवा चल रही है। देखते हैं बाकी वेदर रिपोर्ट्स वगैरह चेक करी है कसौल में, इट्स अ नाइस वेदर देयर ऑल्सो। तो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड वील ट्राई टू शेयर आर एक्सपीरियंस विद यू, होप यू लाइक इट। थोड़ी बहुत मोटरसाइकिल की बात करेंगे, क्या परफॉर्मेंस रही, कैसी रही, और आप लोगों ने पिछले जो हमारा दिल्ली से अल्मोड़ा का जो व्लॉग था उसको बहुत प्यार दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। हाँ जी, तो पहुंच गए हैं कुणाल भाई के पास, बस अब उनका वेट कर रहे हैं। शायद वो थोड़े से लेट हैं, देखते हैं उतर के कब तक वो आते हैं, मिलवाते हैं फिर आपसे और फिर करते हैं अपनी राइड शुरू। वी आर ऑल सेट और कुछ ऐसी अपनी बाइक दिख रही है, तो आज इस पर थोड़ा सा हमने अपना दिमाग लगाया है। एक्चुअली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ व्हाट वी से सैडल स्टेज, तो इसमें कोई सैडल स्टे नहीं है और मुझे डर था कि अगर मैं अपने सैडल बैग्स लगाऊंगा तो कहीं वो टायर में ना चले। तो व्हाट आई डिड इज कि ऊपर सेंटर में एक छोटा बैग बांध के उसके ऊपर सैडल बैग्स बांध दिए। तो नाउ इफ़ यू सी प्रॉपरली कि काफ़ी ज़्यादा गैप है और ये नीचे बिल्कुल नहीं आएंगे एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑन द, और ये हिल भी नहीं रहे, दे आर माउंटेड प्रॉपरली और देन दे आर ऑलमोस्ट ऑन द बाइक की बॉडी के ऊपर ही है। तो अच्छा, अभी तक अच्छा सेटअप है, एक टेस्ट राइड भी ली थी, कोई इशू नहीं। से हाई टू एवरीबडी, ये हम दोनों की बाइक्स हैं, मस्त एकदम लग रही है अभी, बोथ आर वेरी एक्साइटेड। दोस्तों राइड हो चुकी हमारी स्टार्ट, कुणाल भाई हो गए थे 10 मिनट लेट जैसा कि आपको बताया। उसके बाद थोड़ी सी हमने एक प्रीलिम चेक किया बाइक में, थोड़ा मिले, बातचीत करी और फिर हमने कर दी है अराउंड 12:15, 12:20 वी स्टार्टेड आर राइड। तो इसी को माइलस्टोन बना के चलेंगे और देखेंगे कि कितनी देर में हम पहुँचते हैं, बाकी फ़न करते हुए जाएंगे। सड़क बहुत प्यारी लग रही है, सामने व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये रहे हमारे कुणाल भाई। कुणाल भाई ने ना विंडस्क्रीन लगाई है, नहीं तो जो मतलब ये आरी की जो ओरिजिनल है ये उन्होंने उतरवा दी थी। आप देख सकते हो कितनी बड़ी और कितनी ह्यूज लग रही है। इसका एक छोटा सा राइड रिव्यू हम ज़रूर डालने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही और किस ब्रांड की है, सो दैट आप लोग भी बाय कर सके जिन लोगों के पास हिमालयन है। तो वैसे तो सारा अभी रात का ही टाइम है, नहीं रात को ही शुरू करिए राइड। हाँ रात का ही मतलब राइड है तो ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाएंगे, बट हाँ मोस्टली विल ट्राई कि भाई जहाँ भी हमें लाइट ज़्यादा मिली तो विल शो यू। और अभी हमें द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से हम कनेक्ट करेंगे NH1 पे, लेट्स सी दिल्ली होके हाउ वी मैनेज टू गो। अच्छी लगी? हाँ आगे लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ आगे।
ये बाइक अटेंशन बहुत ग्रैब करती है, चाहे बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो। अभी इससे पहले भी यहाँ बहुत भीड़ लग गई थी। ये मेरे को बहुत ही सुंदर लगता है, अगर ध्यान से मतलब ऐसा देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे लास वेगास ऑफ इंडिया, बट एक्चुअल में मैं कहना चाहूँगा ये इसको इंडिया का नेशनल पराठा हाईवे घोषित कर देना चाहिए। लाइन से पराठे ही पराठे, पराठे ही पराठे हैं यहाँ पे। तंदूरी पराठे, तवा पराठे विद वाइट मक्खन, येलो मक्खन, हर तरह की चीज़ लाइन से। दे आर ओनली सेलिंग पराठा एंड अदर स्टफ। और हम हिंदुस्तानियों की बात ही अलग है, पराठे जितने मर्जी खा ले पेट भरता ही नहीं है। हम सोच तो रहे थे पहले कि यहाँ पे एक स्टॉप ले ले मूर्थल में, हम भी पराठे खा ले, बट फिर काफ़ी लेट हो गए थे मूर्थल से पहले, जाम में फंसे हुए। देखते हैं आगे आगे कहीं पे जहाँ पे भूख लगेगी थोड़ा रास्ता हम कवर कर लेंगे फटाफट, और फिर वहाँ पे एक छोटा सा बढ़िया सा ब्रेक लेंगे। मज़ा बहुत आता है रात को NH1 पे बाइक चला के, पूरा वेल लिट है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, तो इट्स रियली नाइस टू राइड एट नाइट ऑन NH1 ऑल्सो। दिन में तो ट्रैफिक होता ही होता है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ दिन में भी ये उतना ही अच्छा है। फर्स्ट स्टॉप हमारा आज की राइड का, ऑल दो हम काफ़ी लेट चल रहे हैं, ये है इस ढाबे का नाम है पर्ल ढाबा। देखो ये बहुत ही फनी मार्केटिंग है यहाँ पे। राधे राधे लस्सी आंटी जी की फोटो कैसे लगाई है। ये खड़ी हमारी बाइक। हाँ जी, तो चाय खाना पीना सब हो गया है, बस हम अपना कवच पहन रहे हैं और निकलते हैं। तैयार है ये राइडर हमारा। ये राइडर है ना, हमेशा मुझे छोड़ के जाने की बातें करता है यार, और सड़क पे इससे गाड़ी नहीं चलती। सड़क पे गाड़ी नहीं चलती, सड़क पे 50 के ऊपर चलाएगा नहीं, और सबसे पहले सज के बैठ जाएगा बाइक के ऊपर। बाय बाय। ये देखो। यार तो सही वही छोड़ के चलेगा यार, कोई नहीं इसको तो पकड़ लो, 5 मिनट में 40 के ऊपर चलाएगा नहीं। अभी पकड़ते हैं दोस्तों, देखो इसे, इसको ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे। सामने जा रही कुणाल भाई की बाइक। टोल के ऊपर ना बड़ा बड़ा लिखना चाहिए किस चीज का कहाँ का टोल है, जगह का नाम नहीं लिखते हैं। अच्छा, खैर आने वाले टाइम। यार ये बाइक और साइकिल में डिफरेंस नहीं है क्या, इतनी पतली जगह के देते हैं यार बाइक्स के लिए, इज्जत ही नहीं है वादी तो यार। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। ऑलमोस्ट हम शायद कुरुक्षेत्र आ ही गए हैं, और कुरुक्षेत्र है महाभारत की लैंड, जहाँ पे महाभारत हुआ। कुरुक्षेत्र एक हिस्टोरिकल टाउन है, यहाँ पे ज़रूर सबको विजिट करना चाहिए और किसी को अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। महाभारत की लैंड है, महाभारत यहीं हुआ था, यहाँ पे भीष्म पितामह की शरशैया है, और गीता का ज्ञान भी अर्जुन को यहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में ही दिया गया था जो मैंने पढ़ा है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कुरुक्षेत्र के बारे में और भी अगर आपके पास कोई विशेष जानकारी है तो। हल्की हल्की सुबह, हल्की हल्की ठंड, और एक खूबसूरत धनुषबाण का नज़ारा, मज़ा ही आ गया भाई। इनको हर ये दिन चलते चलते एक ट्रक की जगह 3-3 चार दिख रहे हैं, और जो गाड़ी है वो दिख ही नहीं रही है। तो हमने कहा इससे पहले कि तुम भी दिखना बंद हो जाओ कहीं रुक जाते हैं। सही बात है।
कुराल भाई कह रहे गलत रास्ते पे ले आया है, ऊपर से मीठी मीठी बातें करके मन बहला रहा है। दोस्तों रात का सफ़र हमारा अच्छा बीता, सुबह भी बहुत सुहानी बहुत प्यारी हुई। बस जितना हम आए हैं उतना ही हमें अभी शायद और जाना है। अभी कुराल भाई बीच में कह रहे अगर ऐसी बात है तो मैं यहीं से यू टर्न ले लेता हूँ। जितना आगे है उतना पीछे भी तो जा सकते हैं। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, लेकिन अपने राइडिंग पार्टनर को भी बोलो कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे। मेरा राइडिंग पार्टनर तो हमेशा की हमेशा, उसे बस मौका चाहिए कि कब छोड़ के आगे भागना है, वो भाग गया साला आगे। हाँ। खड़े हैं रेड लाइट पे, मजे आ रहे हैं राइड पे। रूपनगर इतना अच्छा शहर का नाम है रूपनगर। पता नहीं इसे रोपड़ क्यों बोलते हैं पंजाबी में, कहीं पे रोपड़ लिखा है कहीं पे रूपनगर लिखा है। मौसम और भी अच्छा हो गया है, लकीली दिल्ली गुड़गांव जैसी गर्मी तो नहीं लग रही, बढ़िया लग रहा है। कुणाल भाई की भी नींद उड़ गई है, बस पहुंच जाएंगे अब हम जल्दी। जल्दी का मतलब 2-3-4 घंटे और शायद। चलो एक और स्टॉप आज सुबह का, सरपंच डीलक्स ढाबा, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है। थोड़ा पीछे को आ जाओ, आए ये आ रहा है हैंडसम हंक, लुक एट हिम, भूखा इंसान। अपने राइडिंग पार्टनर को टैग करना जो हर 5-10 मिनट बाद कभी उसे कुछ करना होता है कभी उसे कुछ करना होता है। ये देख लो ये लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कभी इन्होंने इंसान नहीं देखा या इंसान बाइक चलाते हुए नहीं देखा, ऐसे पता नहीं क्यों घूर रहे हैं। प्यार है लोगों का, दे आर बाइक लवर्स एक्चुअली। अभी आएंगे और हमसे ज़रूर पूछेंगे कि कहाँ से और कहाँ पे जा रहे हो और ये बाइक कितनी तेज़ भागती है। अगली बार बोर्ड ही लगा लूँ, परेशान हो गए इस सवाल का जवाब देते देते। चाय पी पी के दुखी हुए तो हमने कहा पराठे खा लेते बिना चाय के। नींबू पानी मांगा, अंकल ने कहा नींबू नहीं है पानी पानी मिल जाएगा। यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन होती है, ढंग से नहीं लिख सकते क्या, पता नहीं क्लियर साइन बोर्ड लगा नहीं हुआ या लगा हुआ है हमें पढ़ना नहीं आता। थैंक्स टू द पुलिस वाला जिसने हमें बता दिया कि ऊपर वाला रास्ता सीधा मनाली जाता है। और ये लोहे के ब्रिजेस मुझे हमेशा से ही बहुत सुंदर लगते हैं। कुणाल भाई थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो गए थे लेकिन मिल गए, तो वही हुआ। और मैं रास्ते पर V6 कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो कि हो नहीं पा रहा था। ये कुणाल भाई देखो क्या मस्त लीन कर रहे हैं, ये मनाली तो मुझे समझ में आ गया है कि इट हैज बिकम बाइकर्स पैराडाइज। कुणाल भाई घुटने नीचे लगा दो घुटने। हाँ लो जी
देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। अरे कुणाल भाई याद है यहाँ से नीचे गए थे कच्चे रास्ते पे टूटे हुए पे, ये टनल नंबर 1 है और मनाली तक ऐसी कितनी टनल है हमने कितने नंबर गिने थे मेरे को याद नहीं, 12 तो हमने गिने थे, आई थिंक इट इज़ मोर देन दैट। हाँ नहीं, इस टनल से निकल के हम नीचे कच्चे रास्ते पे गए थे, आपको याद होगा, ये इसके ऊपर इस फ्लाईओवर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो हमें नीचे से ऊपर चढ़ाया था। काफ़ी क्लास्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, बन सा और काफ़ी लंबी टनल लग रही है ये। टनल नंबर 4, इसमें 60 की स्पीड लिमिट है, इसमें चलाएंगे 60 पे, पता ही नहीं चलता। बंद बंद ही लगती है टनल, टनल में जाने की आदत डालनी पड़ेगी। टनल से निकलते ही स्पीड लिमिटर है। बहुत ही सुंदर रास्ता है और सुंदर रास्ते को ख़राब किया है स्पीड लिमिट्स ने, और वो भी स्पीड लिमिट्स एक जैसी नहीं है, कहीं पे 40 है कहीं पे 50 है, मतलब अभी दो सेकंड पहले 40 लिखी हुई है फिर 50 लिखी हुई है, और ये भी नहीं पता चलान कटता है कि नहीं कटता। आई डोंट नो सर क्यों करा इन्होंने, इतना सुंदर इतना प्यारा रास्ता है, बहुत ही अच्छा। टनल नंबर 5, स्पीड लिमिट 60। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन, इट्स अमेजिंग, इट्स बियॉन्ड words I can explain. So I'll just switch back to my camera. So this is how it is. So this was not expected. This is amazingly beautiful. And I think this is the Himalayan's purpose, to help you guys to reach to such destinations. I can't explain this. This is beyond my imagination. I never expected this, that I will reach to such place. I could not record the whole journey क्योंकि GoPro battery died and this is how it is. तो भाई मज़ा ही आ गया इतनी ride करके, हमें लग नहीं रहा था कि इतना मस्त जगह पे होगा। कुणाल भाई तो बावले हो गए, इन्होंने 5 मिनट मुझसे बात नहीं करी है, और अभी बस हम जा रहे हैं थोड़ा सा एक little bit adventure, not even adventure, just a trail walk. हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। रैंडमली होटल बुक किया था और ये इतना एक्साइटिंग इतना मज़ेदार निकलेगा सोचा ही नहीं था। आई वुड सजेस्ट अगर आप लोग आना चाहते हैं ना तो ज़रूर इस चीज़ को, इस जगह को एक्सप्लोर करें। दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेस वेयर वी विल स्टे फॉर नेक्स्ट मे बी 2 डेज, और इफ प्लान चेंजेस वील कीप यू पोस्टेड। बढ़िया, इट्स टोटली ऑन द रिवर बेड,
सी। हमने सोचा नहीं था, कल रात को काफी देर के चले हुए हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 12 आवर्स हमने ड्राइव की है, राइड की है। ठीक है, टाइम काफी लगा लेकिन मजा बहुत आया पूरी राइड में। और जब यहाँ पहुंचे थे बहुत बड़ा सरप्राइज था। हो सकता है मैं बार बार बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रहा हूँ, बट ये है एक्चुअली। यू नेवर एक्सपेक्ट कि आप जाते हो किसी जगह पे और आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ मिलेगा। मोस्टली वी एक्सपेक्ट कि यार रोड साइड पे होटल होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, नीचे बाइक खड़ी करके चले जाएगी, बट ये तो एग्जैक्टली रिवर बेड पे ही आ गया। यू आर ऑलवेज ग्रीटेड बाय सच गुड फोक्स। अच्छा ये वाला सेकंड फ्लोर बोल रहे हो? अच्छा बहुत ही अमेजिंग है। अभी आपको रूम दिखाते हैं थोड़ी देर में। अरे कुणाल भाई का स्वागत हो रहा है। चलो क्यों मस्त भाई, क्या एकदम वैली के अंदर रिवर बैंड के पास यहाँ से वहाँ क्या है। हाँ टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड है। दिस इज आउटसाइड ऑफ द रूम और ये है इनसाइड ऑफ द रूम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग क्यूट लिटल सा रूम है। बहुत बढ़िया है, बहुत कोजी सा बेड है। और ये है हमारी बालकनी। बालकनी के तो नज़ारे ही कुछ और हैं। रूम में रहने का दिल किसको करेगा यार, मेरे को लगता है हमें इसी में रहना चाहिए बाहर नेचर में। और ये छोटी सी अलमीरा है, इन्होंने एक टीवी भी दिया। ऑल्दो इसकी क्या जरूरत है पता नहीं, जब सामने इतना अच्छा व्यू है। दिस इज़ द बाथरूम बेसिकली, जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पज कि हाउ बिग इट इज़ प्रिटी गुड। बहुत अच्छा ये बाथिंग एरिया और वो सब बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। तो मिस्टर कुणाल आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है?